ये जो कल बताए थे उसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर अभी एक ड्राइंग बनाने बोलेंगे कल जो बताए थे तो बना लोगे पक्का? और बनाओ तो। तीन इधर से, अच्छा ठीक तीन इधर से, है। छह हुआ, बीच हाँ का छह बचा, हाँ छह हाँ उड़ा, हाँ वन हाँ बराबर छह। हाँ समझ तो गए हो। जैसे मान लो ये 12 मीटर का एक लेंथ था आपके पास, आपने 3 मीटर इधर छोड़ दिया, 3 मीटर इधर छोड़ दिया, तो 6 छूट गया ना जी। तो जी 6 छूट गया तो 12 में से 6 निकला तो 6 बचा, मतलब एक लिफ्टिंग पॉइंट से दूसरे लिफ्टिंग पॉइंट के बीच की दूरी 6 मीटर रह गया। तो 6 आपने यहां लिखा, उसका जो फॉर्मूला है वो इधर लिख दिया, तो 6 कम 6 आया। आपका 2 लिफ्टिंग पॉइंट है, मतलब 2 बेल्ट बांधना है, हाँ तो 6 मीटर का 2 बेल्ट ले लो, एक यहां बांध दो, एक यहां बांध दो, बात खत्म। अब देखो ये 6 मीटर का था, ये 6 मीटर का था, और ये भी 6 मीटर का है। तो तीनों कोण, तीनों एंगल एक दूसरे के बिल्कुल समान समान हुआ कि नहीं? हो हो गया गया ना। 70 का बना के दिखलाओ, इसी में बन जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। सर। आप तुम आगे बताओ। हाँ तीन हाँ हाँ जो हाँ लंबा हाँ बड़ा हाँ होगा ना, हो गया, उसका तो 9 मीटर आ गया। तो अब यहां पे आप 9 मीटर का एक सीलिंग लगा दोगे, फिर से बनाओगे? ना ही कहे ठीक है, चलो एक बार और बनाओ, बना अपने से बनाओ, चलो जो मन में आता है, जितना मीटर लंबा, जितना छोड़ना है, क्या करना, सब अपने से मन से बनाओ। तो हाँ, आप सिर्फ ये देखो कि 16 मीटर का था, तो 4 मीटर यहां छोड़ दिए, 4 मीटर इधर छोड़ दिए, 16 में से 8 निकल गया, तो 8 बचा, तो 8 यहां लिखो। क्या है इसका फॉर्मूला? तो हाँ तो लिखो। आठ हुआ। अब 8 मीटर का 2 बेल्ट लोगे, एक यहां लगा दोगे, एक यहां लगा दोगे, खेल खत्म हो गया आपका। अभी भी कोई मतलब कंफ्यूजन है? दो चार बार मतलब के रूम पे नहीं बनाया ना, तो रूम पे बेटा नहीं बनाओगे तो कैसे समझ में आएगा? रूम पे तो जाके थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। तो आपको यहां जो कुछ भी बताया जा रहा है उसको जब तक जाके अपने वहां रूम पे ये नहीं करोगे, मुश्किल है। अभी जैसे ये समझ में आ गया है, लेकिन जहां इसको अगर आज और कल में प्रैक्टिस नहीं किए तो दिमाग से निकल जाएगा। इसको प्रैक्टिस कर लो। अरे फॉर्मूला कहां कोई बहुत भारी है यार। अगर 60 का बनाना है तो त्रिकोण बराबर होना चाहिए ट्रायंगल आपका, हाँ तो उसका फॉर्मूला मल्टीप्लाई 1 है, और 70 का बनाना है तो डेढ़ा है, यही तो है। हाँ बैठो, इसमें कोई समस्या होगा आगे चल के? हाँ? समस्या होगा अगर रूम पे जाके प्रैक्टिस नहीं करते हो एक दो दिन, तो समस्या होगी। तो ये 2 पॉइंट समझ में आया ना। अब इसमें वजन में हम लोग आए, क्योंकि कोई सामान अगर मान लो कि 8 मीटर 10 मीटर या 12 मीटर लंबा है, तो भैया उसका वजन भी तो होगा कुछ। तो जैसे कल हम एग्जाम्पल दिए थे, मान लो कि ये यहां से यहां जो है ये आपका 1800 kg है, तो आप बोले कि 1800 kg है ना, इसका मतलब अगर सेंटर में हम एक लाइन मारते हैं तो 900 kg इधर हो गया, 900 इधर हो गया, यही हुआ ना जी। तो अब 1 टन का हम बेल्ट यहां लगा देंगे 1000 kg का, और 1000 kg का यहां लगा देंगे तो बराबर हो जाएगा, 200 एक्स्ट्रा हमको मिल जाएगा। लेकिन डिग्री जो आपका बन रहा है, एंगल जो आपका बन रहा है, वहां तो घटेगा ना। कल जो लिख के बताया था कि किस एंगल पे आपका कितना घटेगा, जी जैसे वो बोला 70 का सीलिंग एंगल बनाइए, हो सकता है एक लाइन खींचा, ठीक है कि सर ये हो गया आपका 16 मीटर, 3 मीटर इधर छोड़ दिए, 3 मीटर इधर छोड़ दिए, -3 -3 तो बच गया कितना, 10। 10, 70 का बोला है मल्टीप्लाई 1.5, मतलब 15 टन, 15 मीटर, तो 15 मीटर का एक सीलिंग यहां लगाएंगे, 15 मीटर का एक सीलिंग यहां लगाएंगे, और बीच में 10 है तो 70 का आपका बन गया, ठीक है। अब मान लो कि ये बोल दिया 1800 kg है, तो अब आप इस चक्कर में रहोगे कि बेल्ट तो यार मेरा 1000 kg का है, सामान का जो लोड पड़ रहा है एक तरफ में तो 900 kg ना पड़ रहा है,
तो गड़बड़ा जाएगा मामला, क्योंकि कल यहाँ पे जो लिखे थे कि किस एंगल में वो बेल्ट आपको कितना क्षमता देगी, हमको उसी के अनुसार काम करना है। उसके अनुसार अगर काम नहीं करोगे आप, तो कल जो वीडियो आपको मैंने दिखलाया था, जो स्थिति हुई थी ना, वही सेम स्थिति हो जाएगी। 60 का सीलिंग एंगल बनाना है बोल दिया, ओके। तो अब यहां पे स्थिति क्या होगी देख लो, आपको बोल दिया 60 का बनाना है, तो 16 मीटर यहां था, तो 3 इधर निकला, 3 इधर निकला, मतलब 6 निकल गया, 10 बचा। तो 10 × 1 ना, तो 10 मीटर आया, तो 10 मीटर का एक सीलिंग इधर, एक सीलिंग इधर लगा दिए, अब तीनों कोण बराबर हो गया। अब रह गया 1800 kg, तो 900 kg का आपका लोड इस तरफ आ रहा है ना जी, हाँ? अब आप अगर 1 टन का बेल्ट लेते हो और उसको 60 डिग्री का सीलिंग एंगल में लेके जाते हो, तो आपका घट जा रहा है कितना, 150 kg। लिखाए थे, लिखे हुए नहीं, लिखे हुए 150 kg घट जा रहा है, तो आपका बच गया 850 kg। अब इस बेल्ट का कैपेसिटी हो गया मान लो 850, और लोड कितना पड़ रहा है, 900 पड़ रहा है, तो मतलब कि -50 kg जो है एक्स्ट्रा उस बेल्ट पे लोड पड़ रहा, नहीं पड़ रहा है। तो अब वो स्थिति आपके लिए गंभीर है, नहीं है, कभी वो टूट सकता, नहीं टूट सकता है, तो अब आप यहां पे ये काम नहीं करोगे। आप क्या करोगे, एक के बाद सीधा 2 टन का बेल्ट आता, 1.5 टन का नहीं आता है, आप 2 टन का बेल्ट ले लो। जब 1 टन से आपका 150 kg घट रहा है, तो 2 टन से 300 घटेगा, 3 टन से 450 घटेगा। हम कोई भी एग्जाम्पल आपको देंगे ना, तो 1 टन के बेल्ट का ही देंगे, क्योंकि उससे समझने में आपको आसानी होगी। अब 1 टन में जितना घटा रहे हो, 2 टन में उसका डबल हो जाएगा, 3 टन में उसका 3 गुना हो जाएगा, 4 टन में 4 गुना होते जाएगा। तो 1 टन में अगर हमने 150 घटाया था, तो 2 टन में कितना घटा देंगे, 300। तो अब 2 टन का अगर हम यहाँ पे बेल्ट लगाते हैं, मान लो 2 टन का अगर हम यहाँ पे बेल्ट लगाते हैं, तो 300 घट गया, तो 1700 kg कैपेसिटी बचा आपका बेल्ट का, और लोड कितना दे रहे हो, 900 दे रहे हो, है? तो अब यहाँ पे आपका कितना बच गया, 800 एक्स्ट्रा बच गया, मतलब ये हो गया आपका सेफ्टी मार्जिन। तो अब बताओ कि 800 आपके पास, मान लो उदाहरण के तौर पे 1700 रुपया है, आप गए बाजार में शर्ट लेने के लिए, आपको बोला भैया 900 रुपये में शर्ट हम आपको दे रहे हैं, आपने 900 रुपये का शर्ट ले लिया, उसके बाद आपके पॉकेट में बचा 800 रुपया, तो पॉकेट में भारी है ना जी अभी। लेकिन अगर वही बोला कि 1700 का शर्ट है और 1700 पॉकेटे में है और 1700 निकाल के उसको दे दिए, तो अब ऐसा लगेगा ना कि जैसे पैर के नीचे जमीन नहीं है, हम बिल्कुल मतलब हल्का हो गए, कुछ भी हो गया तो बहुत बड़ा मुसीबत में फंस जाएंगे। तो यहाँ पे भी वही स्थिति है, क्योंकि आप ऑपरेटर हो, आपको ये सोचना है, अगर मान लो कि इस जगह पे आपका 900 ही कैपेसिटी बन रहा था बेल्ट का, और 900 सामान भी आप उठा रहे हो, तो 0-0 उठा रहे हो, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ये धड़का बराबर आपके दिल में बना रहेगा, नहीं बना रहेगा, ऐसा काम नहीं करने का। क्या पता उस सामान को आप उठा के, जैसे वो रखा है ना सेकंड वाला पिक्चर देखो, उसको उठा के उसको आधा घंटा 1 घंटा ऐसे पकड़ के रखना पड़े, तो बेल्ट तो अपनी आखिरी स्थिति में है, क्या पता वो कब तक बर्दाश्त कर पाए, हैं? तो कभी भी एक बात याद रखो, क्रेन का अगर काम करना है, तो काम करने के पहले सेफ्टी जो है उसको लेके चलना है, काम करने के पहले सेफ्टी को लेके चलना है आपको, बिना सेफ्टी के क्रेन का काम हो ही नहीं सकता, नहीं तो डेली और हर साइट पे आप एक्सीडेंट करोगे, आपका वायरल हो जाएगा न्यूज फोटो के साथ कि भैया इस ऑपरेटर को क्रेन मत देना, ये कुछ भी नहीं जानता है, हर साइट पे जाता है, एक्सीडेंट करता है, सामान तोड़ता है, क्रेन का सत्यानाश कर देता है। आज सोशल मीडिया का दौर है, आप अगर एक गलती करोगे, अरे भाई उसी साइट में हो सकता है आपको नहीं पसंद करने वाले कुछ लोग हों, उनके तरफ से ये न्यूज वायरल कर दिया जाए, या जिस ऑनर ने आपको क्रेन दिया हुआ उस ऑनर को अच्छा खासा लॉस हो गया है, वही ऑनर अपने ग्रुप में डाल दे कि भैया इसका थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दो, तो फॉरवर्ड होने में आजकल समय लगता है, कोई भी चीज फौरन वायरल हो जाता है। तो इन सब परिस्थितियों से अगर बचना है, तो ये कैलकुलेशन को हमेशा ध्यान में आपको रखना होगा। मान लो ये 18 मीटर का लेंथ है, ठीक है ना, आपको बोला गया कि 70 डिग्री का सीलिंग एंगल बनाइए, सीलिंग एंगल बनाइए, तो 70 डिग्री में आपका कितना घट रहा है, 60 kg घट जा रहा है, ठीक है ना।
60 डीजे आपका घट जा रहा है। ये सवाल बोला 70 एंगल में बनाइए। हाँ अभी मान लो कि 18 मीटर है, तो आप क्या किए, तीन इधर से छोड़ दिए, तीन इधर से छोड़ दिए, तो बीच में कितना बच गया, 12 है, तो 12 मल्टीप्लाई 1.5 ना होगा जी, तो सीलिंग कितना हो गया, 18 मीटर हुआ, 18 हो जाएगा, तो 18 मीटर का एक सीलिंग आप यहां लगाओगे, 18 मीटर का दूसरा सीलिंग यहां लगाओगे, ये आपका 70 का सीलिंग एंगल बन गया, 70 का ये सीलिंग एंगल बन गया। अभी 18 मीटर तो था, लेकिन इसका वजन जो है वो दो टन है, तो अब आपने सीलिंग एंगल जो था वो तो कंप्लीट कर लिया, अब आपको इसके वेट का कैलकुलेशन करना है ना। तो अगर आपका ये 2 टन का है, तो समझ जाओ कि अगर सेंटर में एक उंगली रखो तो 1 टन इधर हो गया, 1 टन इधर हो गया, आप सिर्फ एक तरफ का कैलकुलेशन करो, आप सिर्फ एक तरफ का कैलकुलेशन करो, दूसरे तरफ का कैलकुलेशन ऑटोमेटिक निकल जाएगा, कॉपी पेस्ट करते हैं ना मोबाइल में, सेम वही चीज है, आप सिर्फ एक तरफ का कैलकुलेशन करो और वही चीज दूसरी तरफ अप्लाई करना है। तो देखो मान लो ये एरिया आपका 1 टन का है, अगर 1 टन का हम बेल्ट लगाते हैं 1000 kg का, तो 70 डिग्री में 60 किलो कम हो रहा है ना, 60 किलो है, तो अब इसमें से अगर आप 60 किलो कम कर दो तो 940 kg बचता है कैपेसिटी, और उठाना कितना है, 1000, मतलब कि स्थिति मैचिंग नहीं कर रहा है। अब आप यहां पर 2 टन का सीलिंग लगाओगे, तो 2 टन का अगर आप सीलिंग लगाते हो तो 1 टन में 60 घटा था, तो 2 टन में कितना घटेगा, 120 घटेगा, अब यहां से आप 120 घटा दो, तो यहां पे हो गया आपका 1880। तो अब ये 2 टन का जो बेल्ट आपने लगाया उसका कैपेसिटी हो गया 1880, और लोड आप इसमें जो दे रहे हो वो दे रहे हो 1 टन का, है ना, 1 टन का दे रहे हो, तो आपके हाथ में जो सेफ्टी मार्जिन है वो 880 बच गया। अब उस सामान को अगर उठा के आप सुबह से शाम तक भी ऐसा होल्ड करके रखते हो तो कोई समस्या नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, आया दिमाग में कि नहीं आया, इसको जाके रूम पे प्रैक्टिस करना है आपको, समझ गए, आपको कल जो मैंने लिखाया था वो लिखे हो कि कितना डिग्री पे कितना घटेगा, हाँ ये लिखे हो, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इसी 90 से लेके 30 डिग्री के बीच में ही आपका कुछ पड़ेगा है? तो 60 का और 70 का ये दोनों बताया, अभी मैंने 70 का बता दिया था ना, इसके पहले 60 का बताया था, 60 का एक बार और बताने की आवश्यकता है, है? तो अब हम लोग आएंगे 45 और 30 की तरफ, ठीक है, 45 और 30 की तरफ आएंगे, वो थोड़ा सा इसमें अब तक गुणा किए हो ना, उसको भागा करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन दिमाग लगाओगे तो वो दिक्कत भी आपके लिए आसान है, क्योंकि ये अगर बढ़िया से नहीं समझे हो तो अभी भी बोलो, इसको और रिमाइंड करेंगे, समझ में आया, अब 30 और 45 की तरफ आते हैं।